पीसीबी कुरियर आया है, इसको खोलते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है देखूंगा कौन से टाइप का बोर्ड है। उन्होंने तो बोल दिया था क्या है, फिर हम लोग देखेंगे। अच्छी तरह से पैकेट करके दिया है। देखिए मैं इस पीसी को कनेक्शन कर लिया, अब इसका सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए डिस्प्ले आ गया, करंट कम ज़्यादा हो रहा है। आउटपुट अब लोगों को चेक करके दिखा दे रहा हूँ। आउटपुट फ्रेंड्स नहीं दे रहा है, देख सकते हो नहीं दे रहा है। मैं लैंप को लगा के भी दिखा दे रहा हूँ, आउटपुट नहीं दे रहा है। बट ये PWM सिग्नल को भी चेक कर लेता हूँ एक बार। फ्रेंड्स PWM सिग्नल आउटपुट दे रहा है, PWM सिग्नल भी आउटपुट दे रहा है। फ्रेंड देखिए इस मीटर में थोड़ा दिक्कत होता है प्रोब की वजह से, जो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी में और ड्यूटी साइकिल में चेंजेस हो रहा है। देख सकते हो इधर नॉब को घुमा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है। देखिए 105 में है, अभी मैं इसका थोड़ा बड़ा दूंगा, 200 कर दे, ये फ्रीक्वेंसी भी चेंजेस हो गया। मतलब ये जो कंट्रोल कार्ड है इससे सब ओके है, बट हमको आउटपुट नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो इधर ये जल रहा है, इसका एसी में क्या हुआ है, इधर से आउटपुट नहीं दे रहा है, ये मिली वोल्ट में दे रहा है। मैं आप लोगों को लैम्प लगा के दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसे केस में आपको पहले PWM सिग्नल सही से आउटपुट दे रहा है कि नहीं चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब मेरा सेटअप बना है इधर से, इसलिए ये जो लाइट है ये आप देख सकते हो, ये डिम हो रहा है फिर से ब्राइट हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका कंट्रोलिंग आउटपुट हो रहा है, वेरी हो रहा है, इसके हिसाब से ये वेरी हो रहा है। बट इधर ये लाइट नहीं जल रहा है, एक लाइट नहीं जल रहा है। मतलब ये क्या है फ्रेंड्स, ये गेट को फायर नहीं कर पा रहा है, गेट को ये फायर नहीं कर पा रहा है फ्रेंड्स। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी में चलता है, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे। एक्चुअली मैं इसका एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आप लोग को दिखा रहा हूँ। इधर कैपेसिटर चार्ज है फ्रेंड्स, कैपेसिटर चार्ज है। आप लोग जब भी काम कीजिएगा कैपेसिटर को डिस्चार्ज कीजिएगा। मैं तो डिस्चार्ज कर दिया था, फिर शॉक क्यों दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, ये डायोड रेंज में चेक करेंगे। ये दो LED जो है फ्रेंड्स इसको चेक करेंगे, इसको खोल देते हैं, खोल लेते हैं।
देखिए फ्रेंड, इस लाइट को और मीटर को दोनों को एक साथ ध्यान दीजिएगा। देखिए जब मीटर रीडिंग दे रहा है, ये ब्राइट ये ब्लो कर रहा है, ठीक है, ये लाइट जो काम कर रहा है। इधर देखते हैं फ्रेंड्स, लाइट ब्लो नहीं कर रहा है इधर में फ्रेंड्स, लाइट ब्लो कर रहा है, ठीक है। इधर रेजिस्टेंस कम है, इधर से रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये सारे ये जो तीनों हैं पैरेलल में है, उसके बाद गेट को फायर कर रहा है, तो एक ओपन हो गया तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा पैरेलल का जो फार्मूला है। और इधर देखिए ये सही है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी कम आ रहा है, लाइट भी ब्लो कर रहा है। तो ये डायोड को हम लोग चेक कर रहे हैं, चेक तो कर लिया ऑलरेडी, इसको चेंज करेंगे। फ्रेंड आप लोग जब काम करोगे अच्छी तरह से सिस्टम कर लेना, ये अंगठी वंगठी मत पहनना। मैं पहना हूँ, मैं प्रोफेशनली ज़्यादा इतना काम नहीं करता हूँ, कंपनी में जॉब करता हूँ, फ्री टाइम में ये सब काम करता हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मैं पहले से इसको सेटअप करके रखा था। भाई फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली इस LED को लगा के चेक कर लिया था, आप लोगों को वीडियो बनाने से पहले मैं एक्चुअली देख लिया था, ये वीडियो बनाने से पहले। दूसरा LED है लगाऊंगा, ये नया LED इसको लगाऊंगा। तो इसका एनोड कैथोड फ्रेंड लगाने से पहले चेक कर लीजिएगा। इसको लगा दिया फ्रेंड अच्छी तरह से, अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ ऊपर से एक बार। लोगों को ऐसे दिखाऊं, एक मिनट देख लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा इधर मैं इंजेक्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा था, कैमरा में भी नहीं आ रहा था। ये देखिए लाइट अब लोग दिख रहा है ना अच्छी तरह से, देखिए ध्यान दीजिएगा लाइट की तरह क्या, इसका लाइट जो है इसको फोकस कीजिए ना एकदम, देखिए देख पा रहे हैं आप लोग। देखा ना लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है, अभी मैं इसको लगाऊंगा। इसके PWM सर्किट को लगा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी इसमें पावर दूंगा।
देखिए फ्रेंड मैंने पावर दे दिया, ये दो लाइट फुल जल रहा है। मैं मैंने टेस्टिंग किट में सप्लाई दे दिया, इसलिए यार बंद हो गया। फिर देखिए ये 31 है, ये बंद हो गया, ये धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए इधर दो लाइट धीरे धीरे करके ब्लो करेगा। फ्रेंड्स ये अनलोड है, खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें लोड लगा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए अभी इसका करंट बढ़ा रहा हूँ। अरे सेटअप जो करा है देखिए करंट बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए 80 है, मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ। ये लाइट को, दो लाइट को भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड देखिए ये अभी ओके हो गया, करंट भाई कम ज़्यादा हो रहा है। फ्रेंड ज़्यादा टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये हीट से नहीं देखे, ऐसे भी ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है, ये हीट हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। अयो फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया ये कैसे काम करता है। अगर आप लोगों को ऐसे किट रिपेयर करना है तो आप मुझे कुरियर कर सकते हो, मैं रिपेयर करके आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।